जो 90s के फैन है वो जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पर न आजकल उस जमाने जैसी मूवी बनती है न ही उस जमाने जैसे गाने। पर बॉलीवुड उन मूवी का रीमेक तो बना सकता है ना, तो देर किस बात की। शहर से उड़ती उड़ती खबर आई है कि मैंने प्यार किया मूवी का रीमेक बनने जा रहा है, जिसके लीड रोल सलमान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट एक्सप्लेनर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, चलो वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्मों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। सलमान खान आने वाले साल यानी 2023 में कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसी बीच अब सलमान खान अपनी एक पुरानी फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म सलमान खान की सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली फिल्मों में से एक है। अब वो इस फिल्म का रीमेक के साथ एक बार फिर से धमाल मचाने वाले हैं। बॉलीवुड स्टार चाहे वो अजय देवगन हो या अक्षय कुमार, साउथ फिल्मों की रीमेक बनाकर अपने करियर को बचा रहे हैं। सलमान खान भी साउथ की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसी बीच सलमान खान और एक्ट्रेस भाग्यश्री की साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया के लिए चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म का रीमेक बनने वाला है। इस फिल्म के लीड रोल में सलमान खान ही नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने प्यार किया के पुराने डायरेक्टर ने सलमान खान को फिल्म के लिए अप्रोच किया है। फिल्म में सलमान खान के अलावा दो और हीरो नज़र आने वाले हैं, जिनको कास्ट करने की जिम्मेदारी नए डायरेक्टर को दी गई है। फिल्म के नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है। सलमान खान और एक्ट्रेस भाग्यश्री की मैंने प्यार किया के रीमेक का क्या नाम होना चाहिए यह अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म के नाम जल्द ही खुलासे में आने वाला है। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कि इस मूवी का नाम रखना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स।